नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। एक बात को तो आप सभी जानते होंगे कि घमंड और गुरूर किसी का नहीं चलता है। यदि कोई बंदा किसी भी चीज का गुरूर करता है, किसी भी चीज का घमंड करता है, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। घमंड करना या मैं करना या किसी भी चीज का गुरूर करना बड़ा खतरनाक साबित होता है। घमंड, गुरूर और मैं रावण जैसे विद्वान लोगों की नहीं चल सकी, उनका भी नामो निशान मिट गया। तो प्रिय दर्शकों, हम तो एक छोटे मोटे इंसान हैं, हमारी क्या औकात है? प्रिय दर्शकों, हमारे पास धन दौलत हो या ना हो, हमारे पास लाठियां हो या ना हो, हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य हो या ना हो, लेकिन फिर भी हर आदमी घमंड करता है, पता नहीं किस चीज का गुरूर करता है। आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, वो आपको ये ज्ञान देने वाला है कि कभी भी घमंड मत करो, किसी भी चीज का कभी भी गुरूर मत करो। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने किसी भी चीज का घमंड किया है या गुरूर किया है, उनका पतन निश्चय हुआ है। आज हम जो कहानी प्रस्तुत करने वाले हैं, एक हुदहुद पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है और बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। प्रिय दर्शकों, हुदहुद पक्षी को आप सभी जानते होंगे। हुदहुद पक्षी वो होता है जो वृक्ष के अंदर अपनी चोंच से बिल बनाता है और उस बिल के अंदर अपने बच्चों को जन्म देता है। कहीं कहीं लोग इसको खाती चिड़ा भी बोलते हैं। आज इसी हुदहुद पक्षी की पावन पवित्र कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि हुदहुद पक्षी वृक्ष के अंदर अपना बिल क्यों बनाता है। वृक्ष को अपनी चोंच से खोदकर उसके अंदर अपना बिल तैयार करता है। कहानी शुरू करने से पहले, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की प्यारी सी कहानी, आज का ये प्यारा सा वीडियो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक आवारा हाथी बुरी तरह उत्पात मचाता है। सभी पेड़ पौधों को, सभी वृक्षों को उखाड़ के फेंकने लग जाता है। जो भी जीव जंतु उसके सामने आता तो उनको मार गिराता। उसी जंगल में एक हुदहुद पक्षी का जोड़ा रहता था। हुदहुद पक्षी ने एक वृक्ष की डाल पर अपना घोंसला बनाकर अपने अंडे दे रखे थे। उनका परिवार बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा था। हुदहुद पक्षी की पत्नी अंडे देकर और हमेशा अंडों पर बैठी रहती। वो ये सोचती रहती कि कब मेरे नन्हे नन्हे बच्चे अंडों से बाहर निकलेंगे और कब उनका परिवार संपूर्ण होगा। हुदहुद पक्षी और उनकी पत्नी यही इंतजार में रहते कि कब उनके अंडे से बच्चे निकलेंगे और कब उनका परिवार संपूर्ण होगा। हुदहुद की पत्नी दिन भर अंडों पे बैठी रहती। हुदहुद उड़कर दूर जाता और भोजन पानी लेकर आता और अपनी पत्नी को खिलाता। हुदहुद की पत्नी 2400 घंटे अंडों पर बैठी रहती। उधर वो उदंड हाथी सभी वृक्षों को तोड़ता हुआ आ रहा था। कुछ देर बाद वो हाथी उस वृक्ष तक पहुंचता है जहां पे हुदहुद ने अपने अंडे दे रखे थे और हुदहुद जहां बैठी हुई थी। वो हाथी वहां आता है और उस वृक्ष को तोड़ देता है। हुदहुद के अंडे नीचे गिर जाते हैं, घोंसला नीचे गिर जाता है, अंडे फूट जाते हैं। अब हुदहुद अपना सर पकड़ के रोती है। दोनों पति पत्नी अपना सर पकड़ के रोते हैं। हाथी का कर तो कुछ नहीं सकते थे, भारी भरकम हाथी, ताकतवर हाथी, अब उसका हुदहुद पक्षी क्या बिगाड़े। दोनों पति पत्नी अपना सर पकड़ के रोते हैं, चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। अब हाथी पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। हुदहुद और हुदहुद की पत्नी दोनों विलाप कर रहे थे, रो रहे थे,
तभी उनके पास में एक मैना चिड़िया आती है। मैना चिड़िया की हुदहुद की पत्नी के साथ अच्छी दोस्ती थी, अच्छी मित्रता थी। तब वो मैना चिड़िया आती है और मैना चिड़िया अपने मित्र को रोते हुए देखकर उनसे कहती है कि बहना तुम क्यों रो रही हो। तब वो हुदहुद की पत्नी मैना को वो सारी बातें बताती हैं। वो कहती हैं कि कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे होने वाले थे, लेकिन एक उदंड हाथी ने वृक्ष को तोड़ दिया, अंडे नीचे गिर गए और फूट गए। अब हम करें तो क्या करें। यही कहकर दोनों पति पत्नी फूट फूट के रोने लगते हैं। तब मैना चिड़िया उनको धीर बंधाती है और कहती है कि देखिए, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होनी थी वो हो चुकी है, होनी को कौन टाल सकता है। अब आगे के बारे में सोचो कि उस उदंड हाथी को किस तरीके से सबक सिखाया जाए। उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैना चिड़िया और कहती है कि आज तो उन्होंने तुम्हारे अंडे फोड़े हैं, तुम्हारे बच्चों को मारा है, कल वो अन्य किसी पक्षियों के अंडों को फोड़ेगा, उनके बच्चों को खत्म करेगा, इसीलिए इस हाथी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तब हुदहुद और हुदहुद की पत्नी मैना से कहते हैं कि हम कर भी क्या सकते हैं, वो भारी भरकम हाथी है, ताकतवर हाथी है, हम छोटे छोटे परिंदे हैं, इतने बड़े हाथी का हम क्या बिगाड़ सकते हैं। तब मैना चिड़िया कहती है कि तुम चिंता ना करो, एक एक दो होता है, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। मैना चिड़िया कहती है कि मेरा एक भंवरा दोस्त है, हम भंवरे के पास चलते हैं, वो हमें जरूर कुछ न कुछ सलाह देगा। तब हुदहुद, हुदहुद की पत्नी और मैना चिड़िया भंवरे के पास जाते हैं और भंवरे को वो सारे हाल सुनाते हैं। तब भंवरा कहता है कि हाथी को सबक सिखाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा एक मित्र है, मेरा एक मित्र मेंढक है, यदि हम मेंढक के पास चलें तो वो हमें अच्छी सलाह दे सकता है और वो हमारी सहायता भी जरूर करेगा। भौरे की इतनी बात सुनने के बाद हुदहुद पक्षी, मैना और भौरा मेंढक के पास चले जाते हैं। एक तालाब में चले जाते हैं जहां उनका मित्र मेंढक रहता था। अब मेंढक से वो सारी बात बताते हैं। तब मेंढक कहता है कि मित्रों, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ ही देर गहरे पानी में जाके और अपना दिमाग चलाता हूं, क्योंकि मैं जब तक गहरे पानी के अंदर नहीं जाऊंगा तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए तुम यहां पे इंतजार करो, मैं गहरे पानी में जाके और सोच के तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है। तब मित्र मेंढक पानी में छलांग लगाता है और गहरे पानी में जाके बैठ जाता है। कुछ घंटों के बाद मेंढक फिर से पानी से बाहर आता है और सभी मित्रों से कहता है कि मेरे दिमाग में हाथी को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा गजब का आइडिया है। मेंढक अपना विचार और अपना आइडिया उन सभी के समक्ष रखता है। सभी को वो आइडिया बहुत पसंद आता है और सभी जोर जोर से उछलने लगते हैं, खुशी मनाने लग जाते हैं। उधर वो उदंड हाथी वृक्षों को तोड़ता हुआ उनसे कुछ ही दूरी पर आ जाता है। तब मेंढक की रणनीति के अनुसार सबसे पहला नंबर भंवरे का आता है। मेंढक कहता है कि हमारी रणनीति के अनुसार सबसे पहला काम भंवरे का है। मेंढक कहता है कि भंवरा, अब तुम हाथी के पास जाओ और उनके कानों में जोर जोर से गुनगुनाने लगो। तब भंवरा हाथी के पास जाता है और उसके कानों के पास जोर जोर से गुनगुनाने लगता है। जब भंवरा जोर जोर से गुनगुनाता और उसकी आवाज हाथी के कानों में पड़ती तो हाथी मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो उदंड हाथी भंवरे की मधुर आवाज सुनकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि अपनी शुद्ध बुद्ध तक भूल जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और बड़े गौर से और बड़े ध्यान से भंवरे की गुनगुनाहट सुनता है। जब हाथी अपनी आंखें बंद कर और भंवरे की गुनगुनाहट को सुनता है तब मेंढक की रणनीति के अनुसार दूसरा नंबर हुदहुद का आता है। अब मेंढक कहता है कि हुदहुद मित्र, अब तुम्हें हाथी के पास जाना चाहिए और हाथी की आंखें बंद है और तुम्हारी पहनी चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ डालो। मित्र मेंढक की रणनीति के अनुसार दूसरा नंबर अब हुदहुद का आता है। दोनों पति पत्नी उड़ान भरते हैं और दोनों हाथी की एक एक आंख को फोड़ देते हैं।
अपनी पहनी और तीखी चोंच से एक एक वार में हाथी की दोनों आंख को फोड़ देते हैं। अब हाथी अंधा हो जाता है। हाथी की आंखों से खून बहने लगता है। अब हाथी को कुछ दिखाई नहीं देता। हाथी चिंघाड़ता है, चिल्लाता है, लेकिन हाथी की सहायता करने वाला कोई नहीं था। अब हाथी को कुछ दिखाई नहीं देता है। हाथी बिल्कुल अंधा हो जाता है, क्योंकि हाथी की दोनों आंख फूट चुकी थी। अब हाथी इतना परेशान हो जाता है, इधर उधर फचाटा मारता, वृक्षों से टक्कर खाता, इधर उधर बछीट खाता, इधर उधर टकराता, कभी गिरता, कभी हुटता, कभी वृक्षों के टक्कर खाता। इस तरीके से हाथी बहुत घायल हो जाता है। अंत में हाथी को बहुत तगड़ी प्यास लगने लगती है। अब हाथी सोचता है कि मुझे पानी पीना चाहिए। हाथी के अलग सूख जाते हैं। तब आखिरी नंबर मेंढक की रणनीति के अनुसार मेंढक को कहता है। मेंढक अपने सभी मेंढक मित्रों को एक गड्ढे के पास में बिठा देता है और उनसे कहता है, जब हाथी को प्यास लगने लगे तो तुम्हें जोर जोर से टर्राना है, और जब मेंढकों की टर्राने की आवाज हाथी सुनेगा तो इधर दौड़ा चला आएगा। इस तरीके की आखिरी रणनीति मेंढकों की थी। जब हाथी प्यास से तिलमिलाने लगा, तब मेंढक एक गड्ढे के पास में जोर जोर से टर्राने लगे। जब हाथी के कानों में मेंढकों की आवाज जाती है तो हाथी सोचने लगता है कि मेंढक जो है पानी में बोलते हैं। मेंढक जो है पानी में बोलते हैं, और जहां मेंढक बोल रहे हैं वह निश्चय ही पानी है। अब हाथी जिधर को मेंढक बोल रहे थे उधर को दौड़ने लगता है। जैसे जैसे वो हाथी मेंढक के नजीक जाता, उसी तरीके से मेंढक जोर जोर से टर्राने लगते। अब हाथी की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि हाथी रुक नहीं सकता। अब जैसे हाथी उस खाई के पास में जाता है, उस गड्ढे के पास में जाता है, और मेंढक वहां से दूर हट जाते हैं, और हाथी सीधा गड्ढे में गिर जाता है। हाथी जैसे ही गड्ढे में गिरता है, हाथी की हड्डी फसलियां टूट जाती हैं और हाथी के पंख फकीर उड़ जाते हैं। हाथी खत्म हो जाता है। जब हाथी खत्म हो जाता है तो हुदहुद पक्षी, हुदहुद की पत्नी और उनकी मित्र मैना, भौरा और मेंढक पूरे मिलकर जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। कहते हैं कि आज फिर एक रावण का अंत हुआ है। कहते हैं कि आज फिर एक हिरण्यकश्यप का अंत हुआ है। कहते हैं कि आज फिर एक राक्षस का अंत हुआ है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद हुदहुद और सभी अन्य मित्र अपने अपने यथास्थान पर पहुंच जाते हैं, और मैना और हुदहुद एक साथ आ जाते हैं। तब हुदहुद मैना से कहता है कि मित्र मैना, मेरी चोंच के अंदर एक अजीब सी ताकत आ चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी चोंच किसी सोने की हो, किसी धातु की हो। मेरी चोंच में अजीब व गरीब चमत्कार है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तब मैना कहती है कि मित्र हुदहुद, ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हुदहुद और हुदहुद की पत्नी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी चोंच में हमें अजीब व गरीब एक शक्ति का अभाव होता है। हमें एहसास हो रहा है कि हमारी चोंच में एक अजीब व गरीब शक्ति है। प्रिय दर्शकों, हुदहुद और हुदहुद की पत्नी ने दोनों ने हाथी की आंख फोड़ने के लिए अपनी अपनी चोंच का इस्तेमाल किया था, और हुदहुद ने अपनी पूरी चोंच को हाथी की आंख के अंदर घुसा दी थी। उधर हुदहुद की पत्नी ने भी अपनी पूरी चोंच को हाथी की आंख में घुसाकर फोड़ी थी। इसीलिए हुदहुद की चोंच इतनी दृढ़ हो जाती है, लोहे जैसी हो जाती है। उसके बाद हुदहुद की चोंच में एक अजीबो गरीब शक्ति आ जाती है। तो हुदहुद मैना से कहता है कि मित्र मैना, मैं कह रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए, हमारी चोंच में एक अजीबो गरीब शक्ति का एहसास होता है। तब मैना कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारी चोंच में इतनी शक्ति है, तो इसका प्रमाण दिखाइए। तब हुदहुद एक वृक्ष में अपनी चोंच को मारने लग जाता है। हुदहुद अपनी चोंच को वृक्ष में तब तक मारता रहता है जब तक कि उसको खोद ना दे, उसमें गड्ढा ना बना दे। हुदहुद एक वृक्ष में एक बिल नुमा गड्ढा बना देता है। तब मैना को एहसास होता है
कि वास्तविकता में तुम्हारी चोंच में एक अजीबोगरीब शक्ति आ गई है। उसके बाद से हुदहुद पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाता है। वो अपने बच्चों को जन्म वृक्ष में घर बना के, वृक्ष में गड्ढा बना करके, बिल बना करके उसमें अपने बच्चों को जन्म देता है और उसी में ही वो रहता है। प्रिय दर्शकों, हाथी ने घमंड किया था। हाथी को यह गुरूर था कि मेरे सिवा कोई शक्तिमान नहीं है। यही सोचकर हाथी जंगल के सभी बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ पौधों को अपने पांवों से, अपने सूंड से कुचलने लगा। जो भी जीव जंतु उसके सामने आता उसको कुचलने लगा। लेकिन जो घमंड करता है, जो गुरूर करता है, उसका अंत निश्चय ही हो जाता है। इसी तरीके से एक छोटे से पक्षी हुदहुद ने और उनके सहयोगी मित्रों ने मिलकर एक बड़े से हाथी का विनाश कर दिया। इसलिए कहते हैं प्रिय दर्शकों कि एक छोटी सी कंकरी बड़े बड़े घड़े को फोड़ देती हैं, एक छोटी सी कंकरी बड़े मटके को फोड़ देती हैं। इसलिए हर मनुष्य को यह चाहिए कि वो कभी भी किसी चीज का घमंड ना करे, गुरूर ना करे, चाहे वो ताकत हो, पैसा हो, धन दौलत हो या कोई पदवी हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी चीज का कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।